तो क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ कोड्स। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को और जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू द नेटवर्क, ठीक है, उसको हम लोग किसी कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, यूज ऑफ कोड्स। अब ये कोड क्या होता है, ठीक है, सो दैट ओनली दोज पर्सन हु फॉर होम द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन अंडरस्टैंड इट एंड प्रोसेस इट, दस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। द प्रीफिक्स क्रिप्ट मीन्स हिडन एंड सफिक्स ग्राफी मीन्स राइटिंग। अब यहाँ पे जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, या फिर जो कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, अब वो किसी ना किसी प्रकार से तो वो ट्रैवल करेगी, या तो कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, या कुछ बिट फॉर्मेट में होगा, या फिर किसी भी टाइप के फॉर्मेट में किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हम लोग कोई भी एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ईमेल हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो ईमेल हम लोग के कंप्यूटर से निकला, ठीक है, हम लोग ने कुछ इंग्लिश में टाइप किया, मान के चलो यही एक पैराग्राफ हमने टाइप किया है ईमेल में, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और वहाँ जाके वो चाइनीज में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने तो यहाँ से इंग्लिश में भेजा था, ठीक है, अब जो रिसीव किया है वो रिसीव कुछ कुछ और लैंग्वेज में कर लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर से निकला और जो रिसीवर ने रिसीव किया उसके बीच में जो नेटवर्क था, ठीक है, अब उस नेटवर्क में किसी ने अनऑथराइज एक्सेस करके उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब उसको किसी ने पढ़ा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिया और सेंडर तक, सॉरी रिसीवर तक उसने सेंड कर दिया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों से हम लोग को बचना होता है, मतलब हम लोग को अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना होता है, जो भी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे करते हैं उसको हमें सिक्योर करना होता है। तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं उसको सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है ये कोई भी डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ नेटवर्क यूज कर सकते हैं, नेटवर्क यूज करते हैं तभी हम लोग डेटा को सिक्योर करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग कहीं पेन ड्राइव में भी कॉपी करते हैं या फिर सीडी में कॉपी करते हैं, कोई भी डेटा मतलब हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग डेटा शेयर करते हैं तो हम लोग वहाँ पे शेयरिंग के समय पे हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्ट का मीन्स होता है हिडन और ग्राफी का मीन्स होता है राइटिंग। अब यहाँ पे जो हम लोग जो हिडन राइटिंग कर रहे हैं मीन्स हम लोग एक लाइन लिखे या कोई भी एक पैराग्राफ हमने लिखा, ठीक है, हम लोग इस पूरे पैराग्राफ को हम लोग चेंज कर देंगे कुछ कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, कुछ एक कोडिंग लैंग्वेज में उसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसको शेयर करेंगे। ठीक है, जो वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल टेक्स्ट से हम लोग दूसरे टेक्स्ट में हम लोग उसको चेंज कर दिए उसको बोलते हैं हम लोग साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जो हम लोग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज करके हम लोग ने एक जनरेट किया है उसको हम लोग बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, उस साइफर टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में सेंड कर देते हैं या जैसे भी हम लोग को शेयर करना होता है हम लोग शेयर कर देते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस से डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में दो तीन हमारे पास टेक्निक होते हैं जिससे हम लोग साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं, साइफर टेक्स्ट को वापस से नॉर्मल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये टेक्निक होती है, ठीक है, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर हो जाती है, क्योंकि अब वो कोडिंग लैंग्वेज भी चेंज हो गया तो वो कोडिंग लैंग्वेज या तो सेंडर जान पाएगा या तो रिसीवर जान पाएगा, दोनों ही जान पाएंगे। ठीक है, मतलब जिसके लिए हम लोग वो मैसेज भेज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही जान पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं।
इन क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ए सेट ऑफ रूल बेस्ड कैलकुलेशन नोन एज एल्गोरिथम्स टू कन्वर्ट मैसेजेस इन ए वे दैट मेक इट हार्ड टू डीकोड इट। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक जो होती है जनरली हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, लाइक हम लोग जैसे मान के चलो ये सी है। ठीक है, सी को हम लोग कुछ और कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिए, मान लो सी को मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ एक्स 07CGHT। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुछ कोडिंग में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे कि कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर होगा, ठीक है, सी होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ कुछ एक फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ एक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कि यहाँ से जो तीन लेटर है इसको छोड़ दो, उसके बाद वाला जो लेटर है वो ओरिजिनल लेटर है, उसके बाद में भी जो तीन लेटर है, ठीक है, उसको भी हम लोग हटा देंगे, तो हम लोग को एक्चुअल जो लेटर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टेक्स्ट को सिक्योर कर देते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप का जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, हम लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो पर्सन है जो उसको रिसीव करेगा उसके पास भी वही टेक्निक होगी। ठीक है, जो यहाँ पे सेंडर ने यूज किया सेम टेक्निक वो भी यूज करेगा, तो उससे वो उस कोड को डीकोड कर सकता है। ठीक है, उस कोड को क्या कर सकता है, वो डीकोड कर सकता है, इससे उसको ओरिजिनल मैसेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसमें यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या फिर कुछ सेट ऑफ रूल बेस्ड कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग एल्गोरिथम्स बोलते हैं। ठीक है, और जनरली हम लोग कुछ ऐसा एक रूल लगाते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसके जो मतलब इजीली डिकोड ना कर पाए, इस टाइप का हम लोग वहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेस को लगाते हैं। दीज एल्गोरिथम्स आर यूज फॉर क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन, डिजिटल साइनिंग एंड वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी, वेब ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट एंड टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स जो होते हैं क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन, ठीक है, जो भी हम लोग जैसे कि लाइक इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डालते हैं यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। जैसे हम लोग यूजर नेम डालते हैं और एंटर हिट करते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर मान के चलो 8 कैरेक्टर का हमने एंटर किया था, ठीक है, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है 1650 कैरेक्टर्स का हो जाता है, बहुत बड़ा सा दिखने लगता है। ठीक है, और वो वहाँ पे सेंड होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो यूजर नेम को सिक्योर करता है, वहाँ पे कुछ एक कोडिंग फॉर्म में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सिक्योर कर दिया जाता है। पासवर्ड को भी वैसे जब सेव किया जाता है तो वहाँ पे MD5 एनक्रिप्शन लगाया जाता है और वहाँ पे पासवर्ड को भी सिक्योर किया जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी करते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजिंग करेंगे वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये सब में हम लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जनरली हम लोग शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं पे भी हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सारे क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके सिक्योर किए जाते हैं। वहाँ पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं।
ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे थ्री टाइप्स के क्रिप्टोग्राफी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन टाइप के हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है। तो सबसे फर्स्ट आता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब ये क्या चीजें हम लोग देखते हैं। इट इज एन एनक्रिप्शन सिस्टम वेयर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज यूज अ सिंगल कॉमन की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। ठीक है, इट इज एन एनक्रिप्शन सिस्टम वेयर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज यूज अ सिंगल कॉमन की। अब यहाँ पे जो हम लोग मैसेज सेंड करने वाले हैं, ठीक है, तो जो सेंडर होगा और रिसीवर होगा वो एक कॉमन की का यूज करेगा। वो एनक्रिप्ट भी उसी मैसेज उसी की से करेगा और डिक्रिप्ट भी उसी की से करेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग सीखेंगे एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तभी ये चीज समझ में आएगी। अभी बस इतना समझेंगे हम लोग कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एनक्रिप्शन सिस्टम होता है जिसमें एक सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों एक कॉमन की का यूज करते हैं। ठीक है, मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, एक कॉमन की का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बैंक में लॉकर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लॉकर लेके रखते हैं। तो लॉकर में क्या होता है कि लॉकर तो बैंक में रखा होता है, एक अलमारी टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, तो जब वहां पे जाओगे तो वहां पे होता है कि जो मैनेजर है या फिर उनके पास वहां की एक चाबी होती है। ठीक है, तो वहां पे दो चाबी लगाने के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, दो लॉक होते हैं उसमें, एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की जो होता है वो पूरे लॉकर्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, पूरे लॉकर के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं वो वैसे ही काम करता है जो सेंडर और रिसीवर, ठीक है, दोनों के पास एक सिंगल की होगी, एक ही चाबी होगी मान के चलो। ठीक है, उसी से वो एनक्रिप्ट कर सकता है, उसी से वो डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, एनक्रिप्ट करना मीन्स क्या होता है कि हम लोग जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग चेंज कर रहे हैं कोई दूसरे फॉर्म में, कोई कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां की यूज करेंगे, दोनों के बीच में एक हम लोग की यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, जो रिसीवर है उसको रिसीव करेगा और उसको रीड करने की कोशिश करेगा। तो रीड करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करना मीन्स क्या होगा, कोडिंग से वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज करना, नॉर्मल इंफॉर्मेशन में उसको चेंज करेंगे ताकि ओरिजिनल मैसेज जो है वो हम लोग पढ़ पाए। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ की जरूरत होती है। दोनों के लिए क्या की जरूरत होती है, की जरूरत होती है। तो यहाँ पे की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल कॉमन की का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम लोग एक कॉमन की का यूज करेंगे जिससे हम लोग का जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जब भी कोई मैसेज को सेव करते हैं या फिर जो भी हम लोग सेंड करना चाहते हैं या जो भी रिसीव करता है, ठीक है, काफी फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, सिमेट्रिक की सिस्टम आर फास्टर एंड सिंपलर बट द प्रॉब्लम इज दैट द सेंडर एंड रिसीवर हैव समहाउ एक्सचेंज की इन ए सिक्योर मैनर। द मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज डेटा एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो सेंडर है और रिसीवर है, ठीक है, वो मैसेज के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, ठीक है, उसके साथ में क्या करेगा, वो एक की भी सेंड करेगा जो कॉमन की है, वो कॉमन की भी सेंड करेगा। ठीक है, तो वो की को भी ऐसे सिक्योर मैनर में उसको सेंड करना होगा जिससे वो की भी सिक्योर रहे और डेटा भी सिक्योर रहे। ठीक है,
की भी सिक्योर रहे और डेटा भी सिक्योर रहे, ठीक है। तो वो की जो है वो रिसीवर के पास पहुंचेगी और इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगा, ठीक है। तो वो उस की को यूज करके क्या कर सकता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ एक तरीका होगा जिससे वो की को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है वो डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो जनरली हम लोग को कोई लो लेवल, अगर हम लोग को कोई एन्क्रिप्शन लगाना है किसी भी एप्लीकेशन पे या फिर कोई भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं या फिर चैट में अगर सेंड कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो हम लोग यहाँ पे DES का यूज़ करते हैं, डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम, ठीक है। जिसमें यहाँ पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज किया जाता है, ठीक है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, अंडर दिस सिस्टम ए पेयर ऑफ कीज इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, ए पब्लिक की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड ए प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर डिफरेंट इवन इफ द पब्लिक की इज नोन बाय एवरीवन, द इंटेंडेड रिसीवर कैन ओनली डिकोड इट बिकॉज ही अलोन नोज द प्राइवेट की, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी टेक्निक जो है, यहाँ पे दो की लगाई जाती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने मान के चलो मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड किया, मैंने अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्शन के साथ में सेंड किया, ठीक है। तो मैं वहां पे पब्लिक की यूज करूंगा उसको एनक्रिप्शन एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। एनक्रिप्शन के लिए हमेशा पब्लिक की का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा, जैसे ही रिसीवर जो है उस डेटा को रिसीव कर लेगा, उसके पास एक प्राइवेट की होगी और साथ में पब्लिक की भी हम लोग उसके साथ में भेजेंगे जो कॉमन होगा, दोनों को यूज करेगा। और वहां पे जो प्राइवेट की है वो कब काम करेगा, जब उसके पास पब्लिक की भी होगी, ठीक है। मतलब पब्लिक की का जो इंफॉर्मेशन है वो और प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास होगा, सेंडर के पास नहीं होगी, ठीक है। सेंडर के पास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की होगी, वो पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा और वो रिसीवर के पास भेज देगा। रिसीवर के पास होगा प्राइवेट की, प्राइवेट की को यूज करके वो उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो जनरली इस प्रकार की टेक्निक यहाँ पे यूज की जाती है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कीज होते हैं, ठीक है। पब्लिक की जो होता है वो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होता है।